कॉन्फिडेंस मीन्स कि मैं इस काम को कर सकता हूं। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूं। आसान है, बशर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद में फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को? yes, कुछ कर लिया थोड़ा सा, कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटुश तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। yes. और जरा सा कुछ हो गया, उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर 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 जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो। अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, मजा उसी में है ना। तो ध्यान से समझना, ये जो कंपैरिजंस होते हैं, अगर घर वाले कंपेयर कर रहे हैं कि देख वो तो टॉप कर रही है तेरी बहन या भाई, और तू है बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो आप एक्चुअल में गए गुजरे हो, तभी तो कंपैरिजन हो रहा है। अगर आप भी टॉप कर रहे होते तो कहां कंपैरिजन होता? तो देयर इज अ रियलिटी बिहाइंड कंपैरिजन, इसलिए हमको बुरा लग रहा है, क्योंकि वो रियल है, वो सच है, तभी बुरा लग रहा है। झूठ होता तो बुरा नहीं लग रहा होता। सर रियलिटी में भी तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रियलिटी होती है, लेकिन सिर्फ लोग हमें वही दिखाते हैं जिससे हम जेलस फील करते हैं। एग्जैक्टली, नीचे दिखा। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, है ना। अभी देखना, ध्यान से समझना इन्होंने क्या बोला है। अब कंपैरिजन की भी दो जड़ें निकल करके आई, अभी तक मैं एक एक देख रहा था, लेकिन एक नहीं है, दो है। एक है रियलिटी, एक है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो एक्चुअल में रियल नहीं है, रियल लग रहा है, रियलिटी नहीं है वो, बट वर्चुअल रियल। एंड वी आर ऑल सराउंडेड बाय वर्चुअल रियलिटी। चारों तरफ क्या है सोशल मीडिया पे? रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। लेकिन हमारे घर में जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? वो वर्चुअल है या रियलिटी है? रियलिटी पे बेस्ड है, देख रहे हो दोनों में फर्क। कंपैरिजन के कीड़े से बचने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है इस सच को देख लेना कि ये ऑनलाइन दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे सब झूठ फैला पड़ा है चारों तरफ। द मोमेंट वी सी इट एज अ फैक्ट, अब आप उससे फ्री हो गए। नहीं तो अगर आपको लगा कि ये असली है, तो अब आप भी वही हरकतें करना शुरू कर दोगे जो वहां पर हरकतें हो रही हैं। मतलब उसी रेस में आप शामिल हो जाओगे। कौन सी रेस है ये? वर्चुअल रियलिटी की दुनिया, उसमें भाग रहे हो। कुछ आ भी गया हाथ में तो वो भी वर्चुअली होने वाला है, रियल कुछ नहीं है जी वहां पर। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? व्हाटएवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे? लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो ये क्या है? ये ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा, मैं तुझे खुजाऊंगा। कंपैरिजन बेस्ड अपॉन रियलिटी। अब वहां पे कुछ चीजें हैं जो बदलनी चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बदलने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन कंपैरिजन कुड बी बेस्ड अपॉन रियलिटी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, मेरी बहन है, तो अब मुझे भी उसके जितने नंबर लेकर के आने हैं। तो इसमें समझदारी क्या है? ये तो बेवकूफी है। डू यू जस्ट वॉन्ट टू डू वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और यू वॉन्ट टू डू द राइट थिंग? वॉट इज राइट थिंग? योरसेल्फ क्लोजली। हो सकता है आप एक आर्टिस्ट बनने के लिए पैदा हुए हो, किताबी कीड़े बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हो, तो क्या करना है वहां पे? अपनी बहन से कॉम्पीट करना है, क्योंकि कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कंपटीशन। अब अगर आप कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी स्ट्रेंथ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कॉम्पीट कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जो आपकी बहुत बड़ी वीकनेस है और बाकी सबकी स्ट्रेंथ है, तो आपकी लाइफ की धज्जियां उड़ने से कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती। भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। और भेड़ चाल का मतलब क्या है? कि जो अर्जेंट है सिर्फ उनका ध्यान वहीं तक होता है, जो इंपॉर्टेंट है वो कभी करते ही नहीं है, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? अर्जेंट में और इंपॉर्टेंट में। अर्जेंट मतलब क्या? आई हैव टू डू दिस, अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम आ गए, अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, एक साल पीछे रह जाऊंगा, घर में पैसा नहीं है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, तो इट्स ऑल अबाउट पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू डू दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। सो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी कि किस तरह से मैं इस आई हैव टू से निकल करके आई वॉन्ट टू वाली कैटेगरी में घुसूं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो धीरे धीरे
आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि हैव टू से हट करके आपको वांट टू में आना है। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, आपको जो पूरा ध्यान है वो है बाहर, अपने ऊपर तो है ही नहीं, और कॉम्प्लेक्सिटी सारी यहां है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसका अगर आपने सोल्यूशन निकाल लिया तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना क्या बड़ी बात है। बाहर सिर्फ रिलेशंस को आपको संभालना है और पोजेशंस को संभालना है, विच इज वेरी इजी अगर किसी का दिमाग सॉर्ट आउट है तो। दिमाग हिला हुआ है अंदर से बहुत मुश्किल है जी, क्योंकि जो अंदर से हिला हुआ है उसके साथ जो रिलेशन में जाएगा वो भी हिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे लाइफ में, यहां की कॉम्प्लेक्सिटीज को खत्म कर देना है। अब वो हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती है, उनकी भी कमियां ही नजर आती है, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मानते हो सब लोग? दिमाग में आता नहीं है, हम किसी को भी देखते हैं तो हमको अंदर से डाउट आने लग जाता है, शक होने लग जाता है कि कहीं ये बंदा भी कहीं गड़बड़ तो नहीं है, होता है ना? हाँ, मतलब हम शक्की हो गए हैं बहुत ज्यादा। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा, कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। दुनिया बेसिकली तिनके की तरह जीती है, फिर चाहे वो कोई बिलेनियर हो, चाहिए हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, कोई है कुछ भी नहीं, तिनके के जैसे हैं। नेचर में हल्का सा फ्लक्चुएशन होना है, कोई ऐसी बीमारी लगनी है उसका पता भी नहीं लगेगा कहाँ गए थे, है ऐसे थे बन जाएंगे, लेकिन अपने आप को समझते ऐसा है जैसे पता नहीं हम क्या है, तो ये प्रॉब्लम है ना। और उन्हें लगता है कि हम इसको सह सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं या इसको बदल सकते हैं, तिनके को लग रहा है, नदी के बहाव को। और एक्चुअल में तिनका कहीं भी नहीं है, एक थॉट है। तो जैसे थॉट पानी बन गया तो बह गया, थॉट तिनका है तो वो वहीं पे अटका रहेगा, वो कोशिश करता ही रहेगा मरते दम तक। कि मेरी ये बातें 99.99% लोगों को समझ ही नहीं आएगी, वो वही करेंगे जो वो करते आए हैं, वो कहेंगे आपको कुछ नहीं पता है, हमारे ये हैं उनको सब कुछ पता है। लाइफ में आगे बढ़ने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, फिर चाहे आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम भी कर रहे हो, आप एक गैंगस्टर भी हो तब भी ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अपनों को नहीं काटना है। अच्छा एंटरप्रेन्योर तो छोड़ ही दो, टीम वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, समझ गए? तभी तो ट्रस्ट करेंगे लोग आपके ऊपर, तभी तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल होगे। सोच ही छोटी होगी, दो कौड़ी की होगी, तो आप क्या करोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे, अभी ये घपला करके मेरे जो वो बंदे जो मेरे पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं उन्हीं को मैं धोखा देके इतना मुझे फायदा हो सकता है, मान लो 10-20 हज़ार रुपए का फायदा हो सकता है, तो आपने क्या खो दिया, ट्रस्ट खो दिया। इतनी समझ एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, अपनों को नहीं काटना है। जो एक फालतू की बात मान सकता है वो कुछ भी मान सकता है, कि देखो भगवान है बिकॉज इस किताब में लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हिसाब से चले तो यहां जाओगे नहीं तो वहां जाओगे, कुछ भी कहानियां। अगर आपको ये मनाया जा सकता है तो आपको कुछ भी मनाया जा सकता है। पहले मानते थे भगवान नहीं है, फिर कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इधर उधर गए कुछ किया, अब कहते हो नहीं भगवान है। ऐसे भी लोग होंगे जो पहले भगवान को मानते थे आज नहीं मानते, मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया उसको भगवान नहीं। ये बच्चों वाली हरकत है, बड़े हो जाओ। बचपन में मैंने बड़ी करी है ये हरकत, होता नहीं था जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने अंदर ही अंदर मतलब फटाफट से आंख बंद करी ऐसे प्रे किया, अगर भगवान है तो मैं गेम पक्का जीतूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यही हरकतें कर रहे हैं। आप चाहे संदीप मेश्वरी की तारीफ कर रहे हो, आई नो दैट इज नॉट द रियल थिंग, करते रहो ना, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, मेरी लाइफ खराब होने वाली है, मेरी ब्रेथ में चेंजेस होने वाले हैं, मेरा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा अगर आप मेरी बुराई करोगे तो। मेरी किसकी, उस नाम की, वो नाम जो सपनों की दुनिया का हिस्सा है जिसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं। आप क्या बोलोगे, मैं ही संदीप महेश्वरी के बारे में उल्टा सीधा बोल दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, फ्रॉड है, एक नंबर का चोर है, समझ गए, नकली आदमी है, बेवकूफ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, संदीप महेश्वरी की धज्जियां उड़ा रहा हूं, आपको बुरा लगने लग जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरे को नहीं लगने वाला, क्योंकि आप उस नाम से जुड़े हुए हो,
ये संदीप सर को ऐसा मत कहो, मुझे पता है आप लोगों का माइंड, ऐसे मत बोलो, बड़े अच्छे हैं संदीप सर को। अरे काहे का अच्छा है, बेवकूफ है एक नंबर का। अब बोलो, कहीं भी डर नजर आ रहा है आंखों के अंदर? फिर और यहां पर आपको लग रहा है 50-60 लोग बैठे हुए, एक्चुअली 10 लाख से ज्यादा लोग बैठे हुए। आपके लिए 50-60 है, मेरे लिए 10 लाख लोग हैं, मेरे लिए पूरी पूरी दुनिया है। इसको बोलते हैं फ्री होना। क्या मेरी तारीफ कर रहे हो, मेरी मतलब इस नाम की तारीफ कर रहे हो, इस नाम की बुराई कर रहे हो, उससे मेरी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग यहीं पर जी रहे हैं और इसको जिंदगी बोल रहे हैं, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। छात्र ये ऑब्जर्व किया, बेसिकली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, सिर्फ ये करना है, सिर्फ वो करना है, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि भाई मुझे सिर्फ इस कमरे में ही रहना है और यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, ये है वो है, और प्लस मेरा माइंड भी स्टेबल रहना चाहिए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से एक ही काम हो सकता है ना। या तो आप कमरे में रह सकते हो या आपका माइंड स्टेबल रह सकता है या बैलेंस रह सकता है लाइफ में। सो अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन उनको लगता है कि मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है तो मुझे करना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ में, कभी मतलब कभी नहीं। वन इज दैट कि कुछ ऐसा जिससे कि आपके माइंड को रिलीफ मिलता है, बट अगर हम ओवर इंडल्ज हो रहे हैं उस चीज में तो बुरा है। फिर चाहे वो कोई भी चीज है, फिर वो चाहे अच्छा भी है, उसके साथ में कुछ है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सब कुछ छोड़ दो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कभी नहीं छोड़नी मरते दम। हमको अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। देखो एक पेड़ है, किस बेस पे डिसाइड होता है कि वो पेड़ कितना बड़ा हो सकता है, उसकी जड़ें कितनी अंदर तक है। तो अगर हमको ऊपर बढ़ना है, ऊपर मतलब आप कह सकते हो बाहर इस दुनिया में अगर बढ़ना है तो अंदर जड़ें उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर अपनी रूट्स को हमने छोड़ दिया और ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गिर जाएंगे, थोड़ा सा आंधी तूफान आएगा, दिखेंगे भी नहीं कहां गए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी हालत में। अपने माँ बाप के बारे में कुछ बुरा सोचना तक नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। और कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसों के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अगर आप देखोगे, उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सिंपल थी, छोटे से कमरे में रहते थे, थोड़ा सा कुछ सामान था। अब कोई एंटरप्रेन्योर होगा जो पागलों की तरह पैसे के पीछे भाग रहा है, उनसे पूछो क्या लॉजिक है, उनको लगेगा इमोशनल थे। अरे नहीं, इमोशनल नहीं थे, एक्चुअली उनकी लाइफ लॉजिकल थी। क्योंकि लाइफ को जीने का मतलब क्या है, लाइफ में सबसे बड़ा लॉजिक क्या है कि आई मस्ट लिव ऑन माई ओन टर्म्स। मुझे अपने अंदर के पैशन को जिंदा रखना है, मुझे वो करना है जो डीप विद इन मैं करना चाहता हूँ।